नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मेरा नाम है प्राची और आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। चंपावत जनपद के टनकपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम छीनीकोट में इन दिनों जंगली हाथियों के द्वारा आए दिन ग्रामीण किसानों की फसलों का नुकसान किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार वन विभाग के अधिकारियों से गांव की रक्षा हेतु सोलर फेंसिंग लगाने की गुहार लगाई गई है, परंतु अभी तक वन विभाग द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। स्थानीय ग्रामीण राजू मुरारी बताते हैं कि हाथी ने उनकी लगभग 1 एकड़ से ज्यादा फसल नष्ट कर दी है। रोकने पर हाथी उन पर हमला भी कर रहे हैं। ऐसे में वन विभाग के द्वारा उनकी रक्षा हेतु अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग के एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि क्षेत्र में हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने स्थानीय वन क्षेत्र अधिकारी को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने हेतु निर्देशित कर दिया है, क्योंकि ये क्षेत्र हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है जिसे हाथी आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे में ये भी देखना होगा कि किस कारण से हाथियों का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और ये वह फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि कॉरिडोर की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आज 3 दिन हो गए लगातार आ रहा है, इसने कम से कम 1 एकड़ धान की फसल खराब कर दी है और भगाने में भी ये पीछे पड़ रहा है। कल रात भर इसने यहाँ धान की फसल सब खा दी है, बहुत नुकसान हो गया है। वन विभाग से कई बार कहने पर भी उन्हें तार फेंसिंग नहीं की जा रही है, जिससे हमारे ग्रामीणों में बहुत रोष है। तो शीघ्र से शीघ्र इसका मुआवजा और तार फेंसिंग करने की हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं। खटीमा रेंज के अंतर्गत चीनी अनुभाग में हमारे हाथियों के आवागमन की जानकारी मिली, इसमें जिसे वन क्षेत्र अधिकारी खटीमा को नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त क्षेत्र में पूर्व में भी हाथी खाई इत्यादि खोदकर हाथियों से जनमानस की सुरक्षा हेतु प्रयास किए गए हैं, जिस हेतु भविष्य में जो भी यदि कोई ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यह क्षेत्र चूँकि हाथियों के आवागमन का पुराना क्षेत्र एक कॉरिडोर के रूप में भी है, जिसमें मतलब यह भी इसमें जो मार्ग जो उनका अवरुद्ध हो गया है उसको उसके कारणों का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण या कोई अवरोध जिससे यह मार्ग बाधित हो रहा है, जिस कारण यह आबादी की तरफ रुक कर रहे हैं, यदि पाया जाता तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।